राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। किनसियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, तो किनसियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है गति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनसियोलॉजी का जनक कौन है, तो किनसियोलॉजी के जनक है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनसियोलॉजी की सब भाषा का शब्द है, तो किनसियोलॉजी है ग्रीक भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनसी शब्द का अर्थ है, तो किनसी शब्द का अर्थ है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किस शास्त्र में किया गया, तो यह किया गया किनसियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था, तो खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के बारे में जानकारी किसने दी, तो मांसपेशियों के बारे में जानकारी दी अल्फेंसी बार्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं, ये किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया, तो यह सिद्ध किया सबसे पहले अल्फोंसी बार्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा, सारी शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं, तो इसका सही आंसर है आर कैसिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो बायोमैकेनिक्स विज्ञान आता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम बताए हैं, तो न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो यह किया न्यूटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति मात्रा का नियम है, तो इसका सही आंसर है गति का द्वितीय नियम, गति मात्रा का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका सही आंसर है गति प्रतिक्रिया के नियम की खोज की आइजैक न्यूटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है, तो इसका सही आंसर है किनसियोलॉजी विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में पदक मिलते हैं, तो बॉक्सिंग में, कुश्ती, जूडो, इन सभी में चौथे स्थान पर आने पर भी ओलंपिक में पदक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस के प्रकार होते हैं, तो एक्सिस के प्रकार होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक चूक क्षति जय तल को काटती है, वह क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस एक काल्पनिक रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है कहलाती है, तो यह कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का समय कब से कब तक का था, तो इसका न्यूटन का समय था 1642 से लेकर 1727 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कौन कौन से हैं, तो न्यूटन के नियम हैं जड़त्व का नियम, गति मात्र का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिप्पोक्रेटस की चिकित्सा विधि को पुनर्जीवित किया, तो इसका सही आंसर है क्लाडियस गैलन ने हिप्पोक्रेटस की चिकित्सा विधियों को पुनः जीवित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है, तो यह जांची जाती है सिनेमेटोग्राफी के द्वारा खिलाड़ियों की गति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है, तो यह जांची जाती है सिनेमेटोग्राफी के द्वारा खिलाड़ियों की गति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के कितने प्रकार हैं, शक्ति के प्रकार हैं अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहनशीलता शक्ति, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियाँ हैं, तो ये विधियाँ हैं 4। अधिकतम शक्ति को विकसित करने की 4 विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विस्फोटक शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो यह होती है तीन प्रकार की विस्फोटक शक्ति होती है, तीन प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनशीलता शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो सहनशीलता शक्ति होती है दो प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? तो मैरी कॉम को कहा जाता है मैग्निफिशेंट मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की भीतरी खोल को क्या कहते हैं? तो अमाशय की भीतरी खोल को कहते हैं पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित शक्ति का अर्थ है? तो संबंधित शक्ति का अर्थ है शरीर और भार के संदर्भ में शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सहनशीलता का अर्थ है? तो किसी कार्य को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करते रहना सहनशीलता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रियाशील लचीलापन होता है? तो अक्रियाशील लचीलापन होता है क्रियाशील लचीलेपन से अधिक होता है अक्रियाशील लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समन्वय योग्यता के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है संतुलन योग्यता, संयुग्मन योग्यता, प्रतिक्रियात्मक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय योग्यता बढ़ाने की निम्न विधियां हैं? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, शारीरिक व्यायाम, थकान की स्थिति में भी अभ्यास और व्यायाम परिवर्तन करने करके समन्वय योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है? तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है उपरोक्त सभी, मांसपेशियों द्वारा शिक्षा, ड्रिल व खेलों द्वारा शिक्षा, शरीर को माध्यम बनाकर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुनः स्थापना का अर्थ है? तो पुनः स्थापना का अर्थ है चोट के बाद दोबारा खेलना, पुनः स्थापना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग का अर्थ क्या है? तो डोपिंग का अर्थ है, इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चार सिरों वाली मांसपेशी कौन सी है? तो निम्न चार सिरों वाली मांसपेशी को कहते हैं क्वाड्रीसेप्स, क्वाड्रीसेप। ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएं बताई गई हैं? तो ब्लूम द्वारा बताई गई है 7 समन्वय योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्टलेक विधि का दूसरा नाम क्या है? फोर्टलेक विधि का दूसरा नाम है स्पीड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल औषधि विज्ञान से क्या समझते हैं? तो खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार लाने और उनको स्वस्थ रखने का विज्ञान ही खेल औषधि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल औषधि विज्ञान का क्या महत्व है? तो खेल औषधि विज्ञान का महत्व है, ये सभी सही ऑप्शन ठीक है, चोटों में कमी आती है, खेलों की स्थिति में सुधार होता है, प्रशिक्षण विधि को खोजने का साधन है खेल औषधि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैराफिन स्नान सहायता करता है? तो यह सहायता करता है जोड़ों की चोटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो ये उत्पन्न होती हैं सूर्य की किरणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि है टीबिया, सही आंसर है टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने के बाद पुनर्वास की क्या विधियां हैं? तो ये है उपरोक्त सभी, दवाइयों द्वारा उपचार, व्यायाम, मनोवैज्ञानिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों की चिकित्सा विधि निम्न है? तो खेलों की चिकित्सा विधि है उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है इसके, जल उपचार, हाइड्रोकोलेटल पैक, पैराफिन, बाथ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तकनीकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है खेल औषधि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जीव विज्ञान में, खेल औषधि में, तो इसका सही आंसर है क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिएशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से, रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोरंजन का अर्थ है? तो मनोरंजन का अर्थ है अवकाश का समय बिताना, अवकाश का समय बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के उदाहरण हैं? तो मनोरंजन के उदाहरण हैं सिनेमा देखना, सेमिनार, कार्यशाला, ड्रिल डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम। उपरोक्त सभी आंसर ठीक है इसका, सभी ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषताएं हैं, तो इसकी है सामाजिक रूप से स्वीकृत होने चाहिए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से मनोरंजन क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है। इसके प्रारंभिक खिलाड़ियों को नए कौशलों को सिखाने में सहायता मिलती है, स्वस्थ होने में सहायक और क्षमता बढ़ाने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर शिक्षा के मनोरंजन का महत्व क्या है, तो ये है उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है। इसके समग्र विकास में सहायता करती है, शारीरिक विकास में सहायक और सामाजिक विकास में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिएशन में आर अक्षर का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का अर्थ है, तो ई का अर्थ क्या है, शक्ति। ई का अर्थ है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटलिक शब्द आया है किस कहाँ से, तो फाटलिक शब्द आया है स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटलिक किस दूरी के धावकों में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रॉस कंट्री के धावकों में। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में मनोरंजन के क्या मुख्य साधन है, तो राज दरबार में नाचना। इसका सही आंसर है राज दरबार में मनोरंजन के साधन थे नाचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीणों के मनोरंजन के क्या साधन थे, तो ग्रामीणों के मनोरंजन के साधन थे रामलीला और स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में मनोरंजन के क्या साधन थे, तो वैदिक काल में मनोरंजन के साधन थे घुड़सवारी और दौड़। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस प्रकार का मनोरंजन है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन मनोरंजन है समूह मनोरंजन। अगला क्वेश्चन, शक्ति का ह्रास होता है, तो शक्ति का ह्रास होता है दोनों प्रकार के कार्यों में, शारीरिक कार्यों में भी और मानसिक कार्यों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ के फाइनल में टाई पड़ जाए तो निर्णय क्या होगा, तो इसका सही आंसर है दोनों को 45 मिनट पश्चात समय की उपलब्धता पर दोबारा दौड़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूटन का खेलों के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो न्यूटन ने दिए थे गति के नियम की खोज की थी न्यूटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फिज्म नामक रोग किस कारण होता है, तो इसका सही आंसर है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स की कमी के कारण ड्वार्फिज्म रोग मीन्स बोना नामक रोग हो जाता है, व्यक्ति का कद छोटा हो जाता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल इंटरवेंशन सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया चार्ल्स सोरंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकोलेटल पैक उपचार की विधि है, तो यह है इसका सही आंसर है ठंडा और गर्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड स्प्रे उपचार की विधि है, तो इसमें मांसपेशियों का उपचार किया जाता है कोल्ड स्प्रे विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका का सूत्र है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिसंतांक संबंधित है, तो यह संबंधित है प्राप्तांक से, इसका सही आंसर है प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति है, तो सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति वितरण को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका सही आंसर है माध्यिका। माध्यिका केंद्र प्रवृत्ति वितरण को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई साबुन की औसत बिक्री जानना चाहता है तो वह कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग करेगा, तो इसका सही आंसर है माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलक ज्ञात करने का सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है क, 3 माध्यिका और 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुद्ध विचलन मान होता है, इसका सही आंसर है प्रामाणिक विचलन। अगला क्वेश्चन, बीज की 50% किसके अंतर्गत प्रयोग में आते हैं, तो इसका सही आंसर है ग, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रामाणिक विचलन का मूल है, इसका सही आंसर है ST। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थांश 25 व स्थांश 75 का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है चतुर्थांश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की विचलन मान की गणना में सभी प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है प्रामाणिक विचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो यह दिया स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का वजन उसकी आयु के साथ बढ़ता है तो सहसंबंध होगा, तो सहसंबंध होगा धनात्मक। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन सहसंबंध प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सहसंबंध दोनों में प्रयोग किया जाता है, बड़े समूह में भी और छोटे समूह में भी। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती वितरण तालिका प्रयोग होती है, तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन सहसंबंध। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध विधि प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर है उचर दो समूह के। अगला क्वेश्चन है, शून्य सहसंबंध दर्शाता है, तो यह संबंध दर्शाता है सहसंबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर है घ, उपरोक्त सभी क्रमित आंकड़ों में, खंडित आंकड़ों में और सतत आंकड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर है रेखीय सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रवृत्ति है, तो मूल्यांकन की प्रवृत्ति है उपरोक्त दोनों, गुणात्मक और संख्यात्मक। मापन के कार्य है, तो इसका सही आंसर है मापन के कार्य उपरोक्त सभी है, निदान खोज और पूर्व कथन, निदान खोज और पूर्व कथन मापन के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का भार मापा जाता है, तो व्यक्ति का भार मापा जाता है किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्यक्ति की लंबाई मापी जाती है, तो व्यक्ति की लंबाई मापी जाती है